Welcome back to my channel and you are watching Prashant Kumar, another day, another video. I hope you guys are doing absolutely fine over there and so am I. और आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो कि हर घर की कहानी है, यानी कि कहानी घर घर की. तो चलिए देखते हैं क्या है नई बातें, क्या है नई इन्फॉर्मेशन जानने लाइक. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट. क्या आप भी DTH लगाए हुए अपने घरों में, TV में? क्या आप भी केबल ऑपरेटर से अपनी घरों में कनेक्शन लिए हुए हैं? अगर हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है दोस्तों. अब तक आपने जो भी अपने केबल ऑपरेटर को या फिर DTH ऑपरेटर को आपने जो बिल पेमेंट करा होगा उसके लिए पर मंथ, वो अब आपको उतना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको कम करना पड़ेगा, उससे बहुत ही कम करना पड़ेगा दोस्तों. TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके तहत इसकी एक नई रेगुलेशन, नई नोटिस जारी हुई है. इसके तहत आपको ये बिल जो भी आप पेमेंट कर रहे हो केबल ऑपरेटर का या फिर DTH का, वो आआपको कम करना पड़ेगा. यानी कि 1 फरवरी 2019 से आपको एक नया पेमेंट करना होगा जो कि आपके पुराने बिल पेमेंट से काफ़ी कम होगा. देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं यानी कि सोनी, स्टार, जी, सन TV, ये सारे जो ब्रॉडकास्टर हैं, ये अपने जो टेलीकास्ट होते हैं वो ऑपरेटर्स, पर्टिकुलर ऑपरेटर्स के थ्रू हमारे TV तक प्रोवाइड करवाते थे. जैसे कि ऑपरेटर्स जो हो गए, ये एयरटेल हो गए, टाटा स्काई हो गया, या फिर आप मान लीजिए आपका डिश TV हो गया, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं सारे ब्रॉडकास्टर्स के TV सीरियल्स को यहाँ पे टेलीकास्ट करते थे हमारे घरों पे, और वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट लेते थे, फिक्स्ड मंथली लेते थे हम लोगों से पर्टिकुलर चैनल्स के लिए. जैसे कि मान लीजिए 500 रुपये हम लोगों ने दिया पर मंथ, कुछ पर्टिकुलर चैनल वो प्रोवाइड करते थे, जैसे कि मान लीजिए 150 या 200 चैनल वो प्रोवाइड करते थे. TRAI का एक सर्वे आया था जिसमें कि बताया गया था कि हम लोग जो भी आज तक जो यूज़ कर चुके हैं, जो हम लोग जो पैक हम लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, उस सर्वे में बताया गया है कि अभी तक हम लोग सिर्फ 60% ऑफ दैट सब्सक्रिप्शन हम लोग चैनल यूज़ करते हैं. मतलब यानी कि 40% चैनल जो है वो अनयूज्ड होते हैं, हम लोग नहीं देखते हैं, और 60% ही चैनल हम लोग देखते हैं. यानी कि 40% चैनल का हम लोग पेमेंट एक्स्ट्रा करते हैं प्रोवाइडर को, ऑपरेटर को, ब्रॉडकास्टर को. तो इसी को देखते हुए TRAI ने कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस निकाले हैं जिसके तहत आपको उतने ही चैनल के दाम देने होंगे जितने आप यूज़ करते हैं, जितने आप देखते हैं, वो भी बहुत ही कम रेट्स पे. यानी कि मान लीजिए आप 500 रुपये देते थे पहले जो भी बिल आपका जो आता था, अब आपको बहुत उससे कम देना होगा. और मान लीजिए उस 500 रुपये में आपको जो पर्टिकुलर चैनल मिलता था, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चैनल मिलता था, उससे कहीं ज़्यादा आपको चैनल मिलेंगे इस वाले नए रूल में, और आपको पेमेंट भी कम करना होगा. तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे ये क्या रूल है, क्या है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे विस्तार से. बने रहे हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को स्किप ना करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. बगल में बेल आइकन दबाया हुआ उसको आप प्लीज़ एक बार दबाएं ताकि हमारी नई से नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी. TRAI ने अपने नोटिफिकेशंस के जरिए जितने भी हमारे जो पहले के जो प्लान्स थे, जितने भी हमारे पहले के जो प्राइस लिस्ट थे या फिर जो भी हमारे जो पैकेजेस थे, वो सारे अब नए रूल के तहत 1 फरवरी 2019 से चेंज होने वाले हैं. पहले ये जो डेडलाइन थी वो 29 दिसंबर 2018 था, लेकिन वो एक्सटेंड कर दिया गया, अब 31 जनवरी 2019 है. यानी कि 31 जनवरी तक आपका जो है पुराना पैक चलेगा, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा इस नए रूल के तहत. देखते हैं क्या है, जानते हैं इस रूल क्या है, इस रूल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमें फॉलोअप करना होगा, और जो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें अनिवार्य है करना. इस नए रूल के तहत जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं, जैसे कि सोनी, जी, स्टार, सन TV, ये सारे अपने पर्टिकुलर चैनल्स जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टार जो होता है, स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो चैनल्स हैं इसके स्टार के, ये स्टार जो है ब्रॉडकास्टर, वो अपने वेबसाइट पर हर पर्टिकुलर चैनल्स के प्राइस रिवील करेगा, और वो कुछ पैकेजेस भी रिवील करेगा जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिलेगा. दोस्तों TRAI का जो नया रूल है उसके तहत TRAI जो है एक रेगुलेशन पास किया गया है उसके थ्रू कि अब से जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, वो आपको एक बेस पैकेज प्रोवाइड करेंगे. दोस्तों
उस बेस पैकेज में आपको सिर्फ 100 चैनल ही प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि 100 चैनल ही प्रोवाइड किए जाएंगे बेस पैकेज के तहत। उस बेस पैकेज में आपको 100 चैनल्स में आपको ऑप्शंस मिलेगा चुनने का कि आप कौन सा चैनल चुन सकते हैं। वो चैनल सारे फ्री टू एयर होंगे, FTA चैनल्स, यानी कि वो आपको फ्री प्रोवाइडेड किए जाएंगी चैनल्स। पर जो कैपेसिटी है चैनल्स के चुनने की वो 100 ही है, यानी कि वो जो 100 का जो कैप है, वो जो फिक्स्ड कैप उन्होंने ट्राई ने रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो पास किया है, वो जो 100 जो कैपेसिटी है वो 100 ही रहेगी। उसमें आप फ्री के कोई भी 100 चैनल आप चुन सकते हैं। उसमें भी एक ट्राई ने ये कहा है कि जो दूरदर्शन का जो चैनल है उसमें आपके 26 चैनल्स हैं, 26 चैनल्स वो मैंडेटरी हैं, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 74 चैनल्स का ऑप्शन बचेगा चुनने के लिए। और टोटल जो है हमारे पास 535 फ्री टू एयर चैनल है प्रोवाइड किया हुआ ट्राई के थ्रू, यानी कि आप 535 चैनल्स में से कोई भी 74 चैनल चुन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी, वो जो बेस पैकेज का जो कॉस्टिंग पड़ेगा 100 चैनल्स का, वो आपको पड़ेगा 130 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग GST। अगर उसमें GST इंक्लूड करेंगे 18%, तो आपकी जो कॉस्ट होगी 153 रुपीज़ होगी, यानी कि आपको अब 100 चैनल्स के 153 रुपीज़ ही पे करने होंगे दोस्तों, वो भी फ्री चैनल्स के, जिसमें आपको 26 जो दूरदर्शन के चैनल मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो 74 चैनल होंगे वो आपके चुने हुए होंगे दोस्तों। ये तो बात हो गई दोस्तों फ्री टू एयर चैनल्स की, जो कि आपको 535 चैनल्स में आपको सेलेक्ट करना होगा, जो कि जो कैप है वो 100 चैनल्स की हैं। अब मान लीजिए आपको पे चैनल्स देखने हैं, बहुत सारे ब्रॉडकास्टर जो हैं वो पे चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे ब्रॉडकास्टर जो हैं सारे फ्री चैनल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो कुछ कुछ फ्री चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ कुछ पे चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पे चैनल्स का अलग प्राइस लिस्टिंग है, जो कि आपको पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टर या फिर ऑपरेटर्स के आपको वेबसाइट पे जाके आपको पर्टिकुलर जो भी पे चैनल्स की जो प्राइस है वो आपको पर्टिकुलर प्राइस आपको वहाँ पे लिस्टिंग मिल जाएगी। आप वहाँ से कोई भी जो जो आपको चाहिए, जो जो आपको देखने हैं, वो आप चैनल सेलेक्ट करें पे चैनल और उसको आप ऐड टू कार्ट कर दें। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जो कैप है वो 100 का, वो आपको 100 ही मिलेगी, उससे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 150 रुपीज़ पे की है, उसमें आपको 100 फ्री टू एयर चैनल्स मिलेंगे दोस्तों, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने 100 का वो जो कैप है उसमें मान लीजिए आपने 80 फ्री टू एयर चैनल आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, और मान लीजिए आपने 20 जो चैनल है वो आपने पे चैनल ऐड कर लिया अपने उस पैक में, तो 100 तो कैप पूरा हो गया, लेकिन वो जो प्राइस थी पहले जो हमारी 100 चैनल्स की, वो 153 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST पड़ रही थी। लेकिन अब क्या होगा, 153 रुपीज़ तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट वो जो 20 चैनल जो आपने पे चैनल जो आपने ऑप्ट करा है, उन पर्टिकुलर हर चैनल का जो प्राइस होगा इंक्लूडिंग GST, वो मेंशन है पर्टिकुलर साइट पे, उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर जो जो आप चैनल ऑप्ट किए होंगे उसकी जो प्राइस होगी इंक्लूडिंग GST, वो आप में ऐड ऑन हो जाएंगे, यानी कि 153 रुपीज़ इंक्लूडिंग दैट 100 चैनल वाला गैप, यानी कि 80 चैनल जो आप फ्री का जो लेओगे ऑप्ट करोगे, और 20 चैनल जो होगा वो आपका पे चैनल होगा, जो भी आपके प्राइस होंगे उसमें ऐड ऑन होकर आपका टोटल प्राइस हो जाएगा दोस्तों। ट्राई की जो ऑफिशियल साइट है वो वहाँ पे आपको चैनल्स के जो प्राइस लिस्टिंग है आपको मिल जाएगी, www.channeltariff.trai.gov.in। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर चैनल्स की जो प्राइस लिस्टिंग है हर ऑपरेटर्स ने मेंशन कर रखी है दोस्तों, वहाँ पे आपको प्राइस लिस्टिंग मिल जाएंगी। और बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने एक कॉम्बो बना के रखा है, ऑपरेटर्स ने भी कॉम्बो बना के रखा है, उसमें बहुत सारे चैनल्स होंगे, उसका एक आपको कॉम्बो भी मिल सकता है। हो सकता है वो प्राइस जो हो वो डिस्काउंटेड प्राइस हो, लेकिन दोस्तों जो प्राइस होगी वो 153 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों, इस बात का कंफर्म है। और अगर आपसे कोई ऑपरेटर्स इससे ज़्यादा पैसा मांग रहा है 153 रुपीज़ से, तो वो गलत है, वो आप नहीं दोगे उनको, यानी कि आप जो फ्री चैनल लोगे वो 100 का कैप में, वो 153 रुपीज़ ही आपको लगेगा, उससे कोई एक्सटर्नल आपको चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप पे चैनल ऑप्ट करते हो तो उसका आपको तो चार्ज देना ही होगा, जो चैनल का जो लिस्टिंग वहाँ पे प्राइस पे मेंशन होगा वो आपको पे करना ही होगा। ये तो दोस्तों बात होगी 100 चैनल्स की। अगर मान लीजिए आप अपने फैमिली में, काफ़ी आपकी बड़ी फैमिली है, उसमें आपने 100 चैनल्स से ज़्यादा आपने देखना है, तो आप क्या करेंगे?
उसके लिए दोस्तों आपको, अगर मान लीजिए आपको 100 चैनल से ज़्यादा देखना है, तो ट्राई ने एक कैप और एडिशनल कैप, एड ऑन कैप है, जो कि 25 चैनल का आपको ₹20 एक्स्ट्रा पे करना होगा, जो कि एक्स्ट्रा नेटवर्क कैपेसिटी फीस है दोस्तों, जो कि आपको पे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने ₹153 पे कर दिए 100 चैनल्स के इंक्लूडिंग GST, उसमें क्या करना होगा, मान लीजिए ₹130 तो आपको एक्सक्लूडिंग GST है, ठीक है, तो ₹130 प्लस 20 फॉर 25 चैनल्स, तो आपको ₹150 एक्सक्लूडिंग GST 18% एक्सक्लूडिंग GST 18% वो आपको ₹150 फॉर 125 चैनल आपको पे करना होगा। आप इंक्लूडिंग GST करना चाहते हो तो आप 18% उसको जोड़ ले दोस्तों। हालांकि ट्राई ने एक फिक्स कैप रखा है ₹19 का एक चैनल, आपको ट्राई ने एक फिक्स कैप कर रखा है कि हाँ उस ₹19 का एक चैनल होगा। बहुत सारे अलग अलग ब्रॉडकास्टर हैं जो कि अपने अपने चैनल्स के प्राइस हायर भी रखे हैं दोस्तों। ये तो बात हो गई दोस्तों, हम लोगों ने SD चैनल की बात की है, यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल, जो कि 100 चैनल जो भी हमने ने जो बात करी है अभी, और जो 25 चैनल का जो कैप है वो भी जो बात करी, वो ST चैनल की बात की है, यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल की। अगर मान लीजिए आपको SD चैनल चाहिए, हाई डेफिनेशन चैनल चाहिए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको उसकी प्राइस लिस्टिंग तो आपको पर्टिकुलर ऑपरेटर के वेबसाइट पर आपको मिल ही जाएंगी, वो तो आपको पे करना ही करना होगा। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपने 100 का जो कैप, वो जो बेस पैकेज आपने ले रखा है, उस 100 के कैप में आपने मान लीजिए 80 जो है आपने SD चैनल सेलेक्ट कर रखे हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल्स जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं, और जो है 20 का जो चैनल आपका जो रिमेनिंग है, उसमें आपको सिर्फ 10 SD चैनल ही मिल सकते हैं, यानी कि कहने का ये मतलब है एक जो SD चैनल होगा वो 2 SD चैनल के बराबर होगा, यानी कि आप जो है 80 चैनल तो आप SD चैनल ले ही लोगे, उसके बाद आपको सिर्फ 10 ही SD चैनल लेने की कैपेसिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और जो प्राइस है वो तो आपका बेस प्राइस में आपका जोड़ के SD चैनल का वो तो आपका मिल ही जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अलग अलग प्रोवाइडर्स की, जैसे कि एयरटेल, टाटा स्काई में आप कैसे सेलेक्ट करेंगे चैनल्स को, ये अब इस वीडियो में आगे जानते हैं दोस्तों। अब चैनल कैसे सेलेक्ट करना है, मान लीजिए अगर आप एयरटेल उपभोक्ता हैं, आप एयरटेल का सब्सक्रिप्शन या DTH आपने ले रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है आपने, तो उसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे, एयरटेल का माई एयरटेल ऐप आता है, या फिर आप उसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है एयरटेल की, उस पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको रजिस्टर्ड जो आपका मोबाइल नंबर होगा, जो आपने सब्सक्राइब करने के समय रजिस्टर करवाया होगा, उसमें आपको डालना है। उसके बाद आपको OTP आएगा मोबाइल पे, OTP को फिल करके आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर 3 ऑप्शंस दिखेंगे, पहला जो होगा वो आपका होगा रिकमेंडेड। रिकमेंडेड में क्या होगा, जैसा कि मान लीजिए आपने पुराना पैक ले रखा है कोई, जो आपका चला आ रहा है 31 जनवरी 2019 से पहले, उस पैक के अकॉर्डिंग आपकी जितनी यूसेज होगी, जितना जो आपने पेमेंट करा होगा, उसके बेसिस पे उन्होंने एक पैक क्रिएट करा होगा उस पर्टिकुलर, जैसे कि एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने आपके उस बेसिस पे आपका एक पैक क्रिएट करा होगा, उस पैक के अकॉर्डिंग आपका एक मंथली जो भी चार्ज होगा वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको वो नहीं लेना है, वो रिकमेंडेड है, इसका ये नहीं मतलब है कि आपको वो मैंडेटरी है लेना, आप मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको पुरानी चैनल्स रखने हैं और वो जो आपका काफ़ी किफ़ायती है, उससे कम दाम लग रहा है, तो आप उसे ले सकते हैं दोस्तों, कोई इशूज़ नहीं है। दूसरा जो है वो आपका है ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर में क्या है कि आप पर्टिकुलर चैनल्स के अकॉर्डिंग आप जो भी लिस्टिंग होंगे उससे आप ऑप्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा जो ऑप्शन है वो आला कार्टे पैक है, जिसमें आप पर्टिकुलर चैनल्स के आप प्राइस लिस्ट देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऐड टू कार्ट करके आप चैनल ऑप्ट कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे प्राइस लिस्टिंग सारे चैनल्स के आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड होंगे, SD चैनल्स लेने हैं, SD चैनल्स लेने हैं, जो फ्री चैनल्स हैं वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड मिलेंगे। आप ऐड टू कार्ट कर दें, जो भी टोटल पेमेंट आएंगी आपकी वो आपको कार्ड में दिख जाएंगी, उतना आपको पे करना होगा, कन्फर्म करके आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और जो चैनल, जितने भी चैनल्स आपको जो दिखाए जाएंगे वहाँ पे, वो GST इंक्लूडेड प्राइस होगा आपको, जो भी जो प्राइस लिस्टिंग जो डिस्प्लेड होगी पर्टिकुलर ऑपरेटर्स पे, वो आपको GST इंक्लूडेड प्राइस वहाँ पे आपको शो होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप चैनल्स सेलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग आपकी बिल होगी, उसको आपको कन्फर्म करना होगा, उतना आपको पे करना होगा पर मंथ।
और ट्राई ने ये जो रूल जो लागू कर रखा है वो बताया गया है कि आपकी जो पुरानी जो पैक थी उससे कहीं ज़्यादा ये पेमेंट आपके कम आने वाली है। हो सकता है आपको देखने में ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपको उसमें आपको देखना होगा कि आपने जो पुराना जो आपने बिल पेमेंट कर रखा है उससे आपका ज़रूरी ज़रूरी ये कम पेमेंट होगा दोस्तों। अब जो टाटा स्काई के उपभोक्ता हैं, टाटा स्काई के जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए क्या है दोस्तों, सेम है, सब कुछ सेम प्रोसेस है। बस वो जो टैग है जो कि मैंने रिकमेंडेड बताया था, ब्रॉडकास्टर बताया था, आला काटे पैक बताया था, उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे, बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों। टाटा स्काई उपभोक्ता जो करेंगे वो या तो वो ऐप कर सकते हैं, ऐप से वो लॉग इन कर सकते हैं, एंड्रॉयड या फिर iOS जो भी एप्पल यूजर्स हैं उनके लिए ऐप है, या फिर जो एंड्रॉयड है उनके लिए भी ऐप है। बेटर होगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाए, ऐप पे इजी टू हैंडल है, लेकिन आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वेबसाइट पे जाने के बाद या फिर ऐप पे आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें, OTP से डालने के बाद आप लॉग इन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने अकाउंट को। वहाँ पे भी आपको रिकमेंडेड फॉर यू एक टाटा पैक देगा आपको, जो कि पर्टिकुलर पैक होगा उनका, स्मार्ट सेवर पैक जो भी है। और फिर जो तीसरा जो ऑप्शन होगा वो पर्टिकुलर आपके चैनल्स के लिस्ट होंगे, ब्रॉडकास्टर्स जैसे कि एयरटेल में थे वैसे ही उसमें भी होंगे, और वहाँ से आप चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर चैनल्स के प्राइस लिस्टिंग वहाँ पे दिया होगा, चैनल्स यहाँ पे दिए होंगे, प्राइस यहाँ पे दिए होंगे, वो GST इंक्लूडेड प्राइस होंगे, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और ऐड टू कार्ट करके आप बिल जनरेट कर सकते हैं उसका। हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, टाटा स्काई ने ये बोला है कि अगर आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर हैं, मान लीजिए कि आपने से लाइक नवंबर में आपने सब्सक्राइब कराया फॉर 1 ईयर, तो 31 जनवरी 2019 के बाद आपकी जो भी रिमेनिंग जो बैलेंस होंगी वो आपके अकाउंट में चली जाएंगी, टाटा स्काई के अकाउंट में। और अगर आप मान लीजिए उसका जो आप रिचार्ज करवाते हैं टाटा स्काई का, उसमें आपका रिडीम हो सकता है वो बैलेंस, वो आपका यूज़ हो जाएगा, वो वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आज ही टाटा स्काई और एयरटेल ने भी अपने जो बेस पैक है उसकी जो स्टार्टिंग जो प्राइस रखी है वो 99 रुपीज़ पर मंथ है, 99 रुपये प्रति माह आपको देने होंगे बेस प्राइस के लिए दोस्तों। वो कौन कौन से चैनल्स वो प्रोवाइड करेंगे वो आप जाके वेबसाइट पे उसकी लॉग इन करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज ही जाके अपने केबल ऑपरेटर, जो भी आपकी जो ऑपरेटर होंगे या फिर DTH ऑपरेटर होंगे, उनके ऑफिशियल साइट पे आप जाके लॉग इन करके आप पैक जो आपको जो चाहिए वो आप पैक को एक्टिवेट करें, सब्सक्राइब करें उसको, परचेस करें। और अगर आपका जो ऑपरेटर है वो अगर 31 जनवरी 2019 से पहले अगर बोलता है कि नए ट्राई जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत आपके कनेक्शन काटा जाता है 31 जनवरी से पहले, तो वो नहीं हो सकता, वो गलत है, वो आपको कनेक्शन नहीं काट सकता दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया साइट्स पे शेयर करें, ताकि घर घर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और जो भी सब्सक्राइबर है जो कि DTH सब्सक्राइबर है या फिर केबल ऑपरेटर यूज़र है उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चले। बहुत लोगों का पता नहीं है, बहुत लोग ऑपरेटर्स से पैसे एक्स्ट्रा दे के वो लोग अपना सब्सक्रिप्शन लेने का कोशिश कर सकते हैं, या फिर ऑपरेटर आपसे ज़्यादा पैसे की डिमांड भी कर सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बताएं उनको कि ऐसा रूल है, इस रूल के तहत ये सब चीज़ें हैं, ताकि घर घर की कहानियाँ जो होंगी, जो सीरियल्स जो हैं आप इजीली अवेल कर सकते हैं। और जो कि जो इफेक्टिव डेट है वो 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी 2019 से आपका ये जो ट्राई का जो नोटिफिकेशन वो आपका लागू होगा दोस्तों। सो इट्स अ रैप फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप और थम्स डाउन, व्हाट डू यू फील लाइक। अगर आपने हमारी पुरानी जो वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखी होंगी, तो ऊपर आई जो आइकन है उस पर बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करें, वो आपको उस पर आपको हमारी सारी जो पुरानी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी। बहुत कुछ जानने को है उसमें भी, वीडियोस में आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अगर कर ही दिया आपने तो बगल में बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि हमारी जो नई से नई वीडियोस बनेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नई बातें होंगी, कुछ नए जानने को इन्फॉर्मेशन होंगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।